हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होती है, उस इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में हम प्लास्टिक के जो कंपोनेंट होते हैं उसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो जिस मोल्ड या डाई जो भी होती है उसमें हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उस जो मोल्ड होती है, मोल्ड उसके मेन पार्ट नेम क्या होते हैं, जो मेन सबसे ज़्यादा हमको ज़रूरत पड़ती है। ज़रूरत तो सभी पड़ते हैं, लेकिन सबसे मेन उसका पार्ट नेम क्या है, इसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, उसका एक पार्ट नेम सबसे पहले क्या होता है, कोर। कोर क्या होता है, तो कोर के बारे में हम देखते हैं। कोर क्या होता है, कोर मोल्ड का वह पार्ट होता है जो प्रोडक्ट का इंटरनल फीचर बनाता है। जैसे कोई कंपोनेंट है, जैसे मान लीजिए हमारा मोल्ड है, इसको हम कोर बोलते हैं। कोर क्या करता है, ये जो भी कंपोनेंट बनाएगा उसका इंटरनल फीचर को बनाता है, जो कैविटी के इनसाइड फिट होता है, जो इनसाइड शेप में कन्वर्ट कर देता है। कोर कैविटी के एलाइंस प्लेन को होल्ड करके रखता है। कहने का मतलब कि कोर क्या होता है, कोर ये इंटरनल फीचर को बनाता है, और जो कोर होता है वो एलाइंस एक प्लेट होती है, उस प्लेट को ये पकड़ के रखता है, कनेक्ट करके रखता है। तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि कोर क्या होता है, कोर एक मोल्ड का पार्ट नेम है जो भी कंपोनेंट बनाता है उसके इंटरनल पार्ट को ये बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है कैविटी। मोल्ड का ये भी पार्ट नेम है, कोर और कैविटी दो होते हैं, तो इसमें एक कैविटी जो है एक क्या होते हैं इसके बारे में देखेंगे। तो कैविटी क्या होता है, कैविटी मोल्ड के का वह पार्ट होता है जो प्रोडक्ट के होलो एरिया को बनाता है, जो अंदर से खोखली दिखाई देती है उसको इस एरिया को ये बनाता है, जहाँ से प्लास्टिक मटेरियल इंजेक्ट होता है उस एरिया को हम कैविटी कहते हैं। मतलब जिधर से इंजेक्शन किया जाता है उसको हम कैविटी बोलते हैं। जो भी हम इंजेक्शन करते हैं मोल्ड है, इसको हम कैविटी बोलते हैं। जो फिक्स प्लेट पर आती है उसको कैविटी बोलते हैं, जो मूवेबल प्लेट पर आती है उसको हम कोर बोलते हैं। ठीक, तो ये जो कैविटी हो गया ये होलो एरिया को बनाता है, और जो कोर होता है वो इंटरनल एरिया को बनाता है, तो इसे हम कैविटी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, इजेक्टर सिस्टम क्या होता है। ये मोल्ड में ये सभी मोल्ड के पार्ट नेम है, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक पार्ट होते हैं मोल्ड का। तो इजेक्टर सिस्टम, इजेक्टर सिस्टम क्या होता है, इजेक्टर सिस्टम मोल्ड का वह पार्ट होता है जो फिनिश प्रोडक्ट को मोल्ड से बाहर निकालने का काम करता है, जो मोल्ड के शेप में सोलिडिफाई हो जाती है। इजेक्टर सिस्टम क्या होता है, जब हम इंजेक्शन करते हैं मोल्ड में, जो भी पार्ट उसमें बनता है वो सोलिड हो जाता है, उस समय तक ठंडे के लिए छोड़ देते हैं, तो उससे जो मोल्ड से बाहर निकालने का काम करता है, इजेक्ट करने का काम करता है, उसी को हम इजेक्टर सिस्टम बोलते हैं। जो ये हमारा जो भी पिन दिखाई दे रहा है इसको हम इजेक्टर बोलते हैं, इजेक्टर पिन होता है, इसी के द्वारा हमारा पार्ट मोल्ड से बाहर निकलता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रनर सिस्टम क्या होता है। तो रनर सिस्टम जिसमें देखिए, ये जो हम पिक्चर्स है ये रनर सिस्टम का एक पिक्चर है, जिसके माध्यम से हम समझेंगे रनर सिस्टम होता क्या है। रनर सिस्टम एक चैनल होता है जो प्लास्टिक मोल्टन मटेरियल को इंजेक्शन के दौरान मोल्ड के कैविटी एंड कोर में भेजता है। मतलब जो रनर सिस्टम होता है वह एक चैनल होता है, चैनल होता है जैसे मान लीजिए, जिसके द्वारा हम कोर और कैविटी में जो भी मटेरियल हम भेजते हैं वो रनर सिस्टम के द्वारा ही जाता है। सबसे पहले रनर स्प्रू होती है, फिर रनर होता है, फिर गेट होता है, फिर हमारा प्रोडक्ट बनता है। तो ये हमारा स्प्रू हो गया, ये रनर हो गया, ये गेट हो गया, और ये हमारा कंपोनेंट हो गया। तो इन सभी को मिलाकर हम रनर सिस्टम बोलते हैं। रनर सिस्टम एक और क्या बोल देंगे कि जो स्प्रू, रनर और गेट और कंपोनेंट को सभी को कनेक्ट करके रखता है उसको हम रनर सिस्टम भी बोलते हैं।